विजय प्राप्त नहीं होती है हेलो चर्च <laughs> दूसरी बातों में चाहे ऐसे ही जाया जा सकता है लेकिन ऐसे ही विजय कभी नहीं मिलती विजय पाने का एक ही रास्ता है उससे गुजरना हा ले दोबारा कहूंगी ऐसे ही विजय पाने का कोई मार्ग नहीं है विजय पाने का एक ही रास्ता है उससे गुजरना लेकिन इसका मूल्य है आपको मुक्ति के लिए थोड़ा दर्द सहना होगा वैसे भी आप दर्द सह रहे हैं लेकिन अभी का दर्द कोई फल नहीं लाएगा लेकिन अगर प्रभु ने जो करने के लिए कहा है उसे करने के लिए दर्द सहेंगे चाहे वो कठिन भी क्यों ना हो वही चीजें आपके जीवन में विजय दिलाएंगी और विजय की पहली कुंजी शायद सबसे महत्वपूर्ण और जब मैं ये कहती हूँ शायद आप सोचें कि ये कोई बड़ी बात नहीं है <laughs> लेकिन अगर जीवन में विजय चाहिए तो जो पहला काम हमें करना है वो है प्रार्थना हमें प्रार्थना वाला व्यक्ति बनना सीखना है यह सीखना है कि प्रार्थना सांस लेने के समान है ये दिन भर की क्रिया होनी चाहिए आप किसी भी चीज के लिए प्रार्थना करते हैं हर चीज के लिए हर कहीं प्रार्थना करते हैं हर अवसर पर प्रार्थना करते हैं आप आत्मा में हर प्रकार की प्रार्थना करते हैं आज मैं महत्वपूर्ण कथन कहना चाहूंगी और चाहूंगी कि हर एक ध्यान दे हालांकि कमरे में चुप्पी छाइए सामर्थ्यशाली होने के लिए प्रार्थना का लंबा होना जरूरी नहीं <laughs> यही प्रार्थना की सबसे मुख्य कुंजी है जिस पर हमें ध्यान देना जरूरी है मैं इसका कारण नहीं जानती खैर हां जानती हूं ये ऐसा है जैसे कि शैतान ने हमें ये मनोवृत्ति दी है शायद हम सभी में यह है कि अगर हमारी प्रार्थना लंबी ना हो तो हमें फल नहीं मिलेगा कितनों को ऐसी समस्या है मुझे है और मैं जानती हूं ये एक प्रकार की भावना है जो हमारे अंदर पनपती है कि फल पाने के लिए आपको लंबे समय तक प्रार्थना करनी होगी लेकिन जानते इसका कोई अर्थ नहीं बनता क्योंकि बाइबल कहती है कि ऐसे पदों को बार बार मत दोहराओ जो कि लंबी जोरदार प्रार्थना का दिखावा हो यह सोचकर कि अधिक बोलने से आप सुन लिए जाएंगे क्या बाइबल ऐसा नहीं कहती कि आपके अधिक बोलने से आप सुने जाएंगे ऐसा नहीं है प्रार्थना जोर से हो तभी सामर्थ्यशाली होगी ऐसा भी नहीं है और ना प्रार्थना का लंबा होना जरूरी है प्रभु ने कई सालों पहले मुझे चुनौती दी थी कि जितने कम शब्दों में हो सके अपनी जरूरत की चीजों की मांग करूं <laughs> मगर एक रोमांचक बात हुई जितना कम मैं बोली उतनी अधिक प्रभु की सामर्थ मुझे मिली <laughs> आपको प्रभु की प्रार्थना को लेकर समझना है कि वो कितनी सरल है <laughs> उसी में सब कुछ व्यक्त है जैसे कि आज हमें हमारी रोटी दे इससे हमारी जरूरतें पूर्ण हो जाएंगी अक्सर जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम विश्वासयुक्त प्रार्थना नहीं करते हैं, हम भीख मांगते हैं आमीन हमारी प्रार्थना में अधिक बोल और अधिक रंग अधिक आध्यात्मिकता होती है इसे हम काम में लागू करते हैं देखिए प्रार्थना प्रभु के साथ की बातचीत है ये उससे उन सब के बारे में कहना है जिसे पानी में हमें कठिनाई होती है सुबह अपने बालों के बारे में से लेकर आपके जीवन में अगर बहुत गंभीर समस्या हो उस तक कहिए प्रार्थना श्वास लेने के समान है कहिए प्रार्थना का सामर्थ्यशाली होने के लिए दीर्घ होना जरूरी नहीं है तो सबसे पहला काम जो हमें करना है वो ये कि हमें प्रार्थना का व्यक्ति बनना है ताकि जीवन में विजय मिल सके क्योंकि देखिए अगर बिना प्रार्थना के हम स्वयं कार्य करना चाहें तो हम बिना प्रभु के उसे करने की कोशिश में हैं प्रार्थना ये दर्शाता है कि हम प्रभु पर निर्भर हैं प्रार्थना वो चिन्ह है कि प्रभु के बिना हम कुछ नहीं कर सकते जब मैं प्रार्थना करती हूं तो कहती हूं प्रभु तेरे बिना मैं असहायक हूं ना सिर्फ हमें प्रभु के समक्ष याचना की प्रार्थना करनी है साथ में विशेषकर हमें धन्यवाद देने की प्रार्थना करनी चाहिए हमें उन दस कोड़ियों के समान नहीं बनना है जो सब कुछ पाकर धन्यवाद देना भूल गए और भाग खड़े हुए मैंने आपसे पहले भी बताया था कि लोगों का हरा हुआ जीवन जीने का एक कारण यह कि वह धन्यवादित नहीं है अगर हम जहां हैं वहां धन्यवादित और आनंदित नहीं है तो अपनी मंजिल तक कभी नहीं पहुंच सकते इसीलिए धन्यवाद की प्रार्थना करें महिमा की प्रार्थना करें हर दिन उठकर कहें प्रभु आपका धन्यवाद आपकी महिमा हो तेरी स्तुति करता हूं आप स्तुति के योग्य हैं आमिन देव और मैंने यादत डाली है कि अगर हम बीच रात बाथरूम के लिए भी उठते हैं तो आते जाते प्रभु से बातें करते हैं कभी कभी जब हम आदि नींद में होते हैं आपको जैसी वैसी बातें कहते हैं आमीन आपने उस दिन कुछ कहा था क्या कहा था देव हाँ, उन्होंने कहा प्रभु की महिमा हो प्रभु आशीष देव प्रभु <laughs> एक बार आधी रात को मैंने अपने आप से कहते सुना मैं ऊपर उठी हूं <laughs> प्रभु ने कहा नहीं जॉयस मैं उठा हूं तुम थकी हुई हो <laughs> लेकिन वो मेरा हृदय जानता है आमिन और मुझे प्रतीत है कि हर सुबह हमारे मन में प्रभु होना चाहिए और रात में आखिरी चीज जो हमारे मन में होनी चाहिए वो है प्रभु अब आइए देखते हैं रोमियो चौदह जिस किसी को भी जीवन में विजय प्राप्त होगी उन्हें सत्य का सामना करना होगा और जिस सत्य का हम सामना करते हैं वो किसी और के बारे में नहीं <laughs> वो सत्य हमारे बारे में है मैं आज सोच रही थी कि ऐसा कौन सा दर्द भरा सत्य है जिसका मैंने सामना किया सच बताऊं अपने बारे में सच का सामना करना बहुत ही बहुत ही अधिक दर्दनाक है और हम ये समझना भी नहीं चाहते कि हम उसका सामना करना नहीं चाहते उसे टालते हैं उससे दूर भागते हैं और दूसरों को दोष देते हैं लगता है जैसे शरीर जिम्मेदारी निभाने के अलावा सब कुछ करता है आमिन मैंने अपनी एक सहेली से पूछा ऐसा कौन सा कठिन सत्य जिसका सामना तुमने किया उसने एक मिनट सोचकर कहा मुझे कहने में शर्म आती है मैंने कहा ठीक है मैं तुमसे नहीं कहलवाऊंगी उसने कहा आपके जीवन का सबसे दर्दनाक सत्य कौन सा है मैंने कहा वो मुझे लगता है कि सबसे दर्दनाक सत्य जिसका मैंने अपने जीवन में सामना किया मैं जानती हूं मैं वैसी थी मैं प्रभु के नाम से सत्य कह रही हूं कि प्रभु आप सच थे मैं स्वार्थी स्वकेंद्रित थी मुझसे निभाना कठिन था मैं दक्ष और नियंत्रण करने वाली थी जब मैंने इसका सामना किया तो मैं तीन दिनों तक रोई क्या आपको एक बात बताऊं अगर मैंने सच का सामना नहीं किया था तो आज जिस जगह पर नहीं होती क्योंकि मुझ में बंधन थे बड़े बंधन थे जीवन में मैं जी रही थी बंधन और दिखावे के परतों के नीचे मैं सच कहती हूं कि मैंने प्रभु के वचन को पाया और उस सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया सत्य ने मुझे स्वतंत्र किया सैंडी एक मिनट के लिए हो हाँ। तुम मुझ जैसी ही साहसी हो बताओ तुम्हारे बारे में ऐसा कौन सा दर्द भरा सत्य है जिसका तुमने सामना करना पड़ा मैं वास्तव में सोच रही थी और मुझे सोचने का थोड़ा समय मिला और एक सत्य है वो ये कि मुझे बहुत गुस्सा आता था और जिन पर मैं प्रभाव डालना चाहती थी उनके सामने तो गुस्से पर नियंत्रण कर लेती थी लेकिन मेरे पति और वे लोग जो मुझे सह लेते उनके सामने मैं अपना गुस्सा उतारती और ये ये बिल्कुल गलत था बिल्कुल गलत था जिनके साथ मैं थी मुझे उनका आदर करके प्रभु के साथ अपने गुस्से पर नियंत्रण करना था ये अच्छी बात है बहुत अच्छी बात मुझे याद है जब मुझे भी इस तरह के सत्य का सामना करना पड़ा था क्योंकि बच्चों पर मैं गुस्सा करती थी वास्तव में मैं मैं अपने मन की भड़ास उन पर निकालती। उन्हें गाली देना या मारती नहीं थी लेकिन मैं चीखती चिल्लाती बहुत सर पीटती जो कि बच्चे के लिए मार खाने से भी बदतर था अगर मेरा दिन बुरा बीतता तो मैं कहती कि वै, 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 वै। उसके बाद गुस्सा करती बुरा बर्ताव करती और फिर अपने आप पर तरस खाती और बहाने बनाती जानते हैं जो शैतान हमें बुरे काम करने को उकसाता है वही आकर जो बुरा काम हमने किया उसके लिए हमें धिक्कारता भी है बुरा बर्ताव करने के बाद में सोचती कि ओ प्रभु मैं असहायक हूँ काश मैंने ऐसा बर्ताव नहीं किया होता लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकती मैं अपना आपा खो देती और कारण भी नहीं जान पाती एक दिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया और मुझे एक पाठ पढ़ाया उसने कहा और ये कहानी की सीख है जो ऐसा अगर तुम गुस्से की भावना के बीच और तुम्हारे पासवान पास से गुजरे तो तुम उस पर विजय पालोगी मतलब आंख झपकते ही गुस्सा ठंडा हो जाता है तो मैंने सीखा मेरी बेटी भी उसी के बारे में कह रही थी मैंने सीखा कि हमें हम बहुत अधिक आत्मनियंत्रण हमारी सोच से भी अधिक और सच बात यह है कि अगर हम उनके आसपास हैं जो उसे सह लेते हैं या लोग जो उसका कुछ नहीं कर सकते या लोग जिन पर हमारा अधिकार है या ऐसे लोग जिनके साथ हमारा पक्का रिश्ता है जो कि टूट नहीं सकता तो उनके सामने हम हमारी बदसूरत शक्ल दिखाते हैं मुझे अपने कर्मचारियों से निपटना पड़ता जो कि कभी नहीं कभी नहीं मेरे साथ निरादर से पेश आते हैं लेकिन फिर भी उनके नीचे काम करने वाले हमेशा उनके बारे में बुरा भला कहते हैं अंत में मुझे प्रकाशन मिला कि अगर तुम अपने आप पर मेरे सामने नियंत्रण कर सकते हो तो किसी के सामने भी कर सकते हो लेकिन मुख्य बात है कि हम ऐसे लोगों को प्रभावित करते हैं जिनसे हमें कोई अपेक्षा है या ऐसे लोग जो हमसे कुछ चीजें ले लेना चाहते हैं लेकिन अगर लोग जो हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते या हमारी चिंता नहीं करते तो हम उनकी ओर अलग मनोभाव से देखते हैं मैंने कहा था कि हम आज बहुत ही गहराई में जाने वाले हैं <laughs> कितने प्रेम में चलना चाहते हैं तो इतना समझ लीजिए कि प्रेम में चलना हर किसी का आदर करना है ना सिर्फ उनका जिन पर प्रभाव डालना चाहते हैं कठिन सत्य न जाने आप किस कठोर सत्य से भाग रहे हैं लेकिन मैं चाहती हूं कि आप जान ले कि सिर्फ सत्य ही आपको स्वतंत्र करेगा पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा कहलाता है जो हमें सत्य का मार्ग दर्शाता है ईशु ने अपने चेलों से कहा ऐसी कई चीजें मैं तुम लोगों के साथ बांटना चाहता हूं लेकिन तुम लोग उसके लिए अभी तैयार नहीं क्या आप खुश नहीं कि पवित्र आत्मा हमारे जीवन के बखेड़ों को एक साथ बाहर नहीं लाता हम उसे सह नहीं कर सकते इसलिए वो थोड़ा थोड़ा लाता है ताकि हम निरुत्साहित न हो जाए इसलिए सदा अपने बच्चों की आलोचना न करें क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो उनका उत्साह टूट जाएगा उनमें ज़रूर बहुत सी गलतियां हैं और उन्हें और भी विकसित होना है बहुत सी चीज़ों पर विजय पाना है इसलिए हमेशा उन पर चिल्लाने से उनका उत्साह बिखर सकता है और वे बीच में ही कहीं छोड़कर हार मान लेंगे देखिए प्रभु अच्छा पिता और अच्छा अभिभावक है और वो जानता है कि सही समय और सही तरीके से कैसे हमें चीज़ों को दर्शाए हो सकता है वो कठिन और दरभरा हो वो हमारे लिए कभी नामुमकिन नहीं होगा और अगर हम उनका सामना कर उस दर्द से होकर गुजरेंगे तो हम परली तरफ विजय होकर बाहर आएंगे आज आप में से कई सदा बंधुनों से झगड़े हैं और समस्या यह है कि आप विद्रोही हैं। आप नहीं चाहती कि कोई आपको बताए कि क्या करना है आज आप लोग मुझसे मेहनत करवा रहे हैं नाउ no. इसे आप अच्छी तरह से समझ लें रोमियो चौदह बारह कहता है सो हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष न लगाएं हर कोई कहे दोष कहिए दोष कहिए दोष हम सब दोष का खेल खेलना चाहते हैं ना अगर मुझे घर से निकलने में देरी होती तो ये देव का दोषी कि उन्होंने मदद नहीं की सो आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण न रखे तो वो कह रहा है कि आपसे नहीं पूछा जाएगा मैं किसी और के जीवन का लेखा जोखा नहीं पूछूंगा मुझसे सिर्फ मेरे जीवन और मेरे बर्ताव का लेखा देने को पूछा जाएगा इसीलिए मुझे दूसरों के बर्ताव की चिंता करने की जरूरत नहीं है मुझे सिर्फ अपनी चिंता ही करनी है आमीन आइए देखते हैं बत्ती साथ कल दोपहर तक मुझे लगता है शायद आपको लगे कि आप निराश हो गए हैं लेकिन ये निराश आपकी भलाई के लिए होगी <laughs> क्योंकि वचन हमें सही दिशा दिखाता है ना सिर्फ प्रोत्साहित करता है सुधारता भी है मत्ती साथ ही कहता है दोष मत लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाए क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा हमारी सबसे बड़ी समस्या है हम दूसरों के व्यवहार में अपनी टांग ज्यादा ही अड़ाते हैं <laughs> दूसरे क्या करते हैं इसके बारे में फैसला करते हैं अपनी गलती हम भूल जाते हैं जानते जो अपनी ओर सही दृष्टि से देखता है वह दूसरों के प्रति उतना ही अधिक धीरज रखेगा <laughs> आप कृपया समझिए आज जो कुछ भी मैं आपको बता रही हूं प्रभु मुझसे उन चीजों के बारे में पहले ही निपट चुका है मैं आपको पका पकाया भोजन दे रही हूं <laughs> मैं किसी की तरफ उंगली नहीं उठा रही मतलब मेरे जीवन में भी ऐसी समस्याएं थी क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा हम जो भी करते हैं हम बीज बोते हैं हम जो भी करते हैं हम बीज बोते हैं और जो बोते हैं वही काटते भी हैं पत्तीन देखिए तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और तुझे अपनी आंख का लट्ठा नहीं सूझता दूसरा अनुवाद कहता है अपने भाई की आंख से टूथ पे क्यों निकालने की कोशिश में हो जबकि तुम्हारे खुद की आंख में टेलीफोन का खंभा है देखिए हमारे दूसरों को चोट पहुंचाने का कारण है एक मिनट के लिए पवित्र कल्पना से सोचकर देखिए जरा सोचिए कि मेरी आंख से ही बड़ा टेलीफोन का खंबा बाहर आया है और मैं अपने भाई के पास जाकर उसकी आंख से टूथपिक निकालने की कोशिश करती हूँ उसके पास पहुंचने के लिए मुझे टेलीफोन के खंबे से उसे मारना पड़ेगा इसीलिए हम दूसरों को चोट पहुंचाते हैं और कहते हैं कि मैं तो आपकी मदद कर रहा था देखिए आपकी सहायता कर रहा था पहले अपने आप की मदद कीजिए है ना दूसरों की मदद करने से पहले अपने आप की मदद करें फिर कहा गया है कि अपनी आंख से टेलीफोन का कमा निकालने के बाद अपने भाई की आंख से टूथपिक निकालने में मदद भी मिलेगी आसानी भी होगी क्यों क्योंकि अपने आप पर जो गुजरती है अगर उसे समझ लें तो आप दूसरों के दर्द को भी समझ सकेंगे तो दूसरों का न्याय इतनी जल्दी नहीं करेंगे और न उन्हें दोष देंगे लेकिन ईमानदारी से अच्छी आत्मा और हृदय से उनकी मदद करेंगे ये न्याय पूर्णता और दोष देने की बात नहीं है लेकिन दूसरों से दयापूर्ण रीति से निपटना सीख पाएंगे कमौर मैं आज अच्छा प्रचार कर रही हूं पद पांच कहता है कपटी पहले अपनी आंख में से लट्ठा निकाले तब तो अपने भाई की आंख का तिनका भली ही देख कर निकाल सकेगा और आगे मत्ती सात बारह में बाइबल कहती है पद बारह देखिए इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो हमने सुना है कि बाइबल का स्वर्णिम नियम है जैसा व्यवहार दूसरों से चाहते हो वैसा ही व्यवहार तुम भी करो हमें अपने बारे में सच्चाई सुनना जरूरी है आइए देखते हैं फीसियो चार आप में से कितनों को अपने बारे में सच्चाई का सामना करना पड़ा क्या आप सोचते हैं अभी और भी बाकी है चार पंद्रह वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सारी बातों में सच बोलना सच्चा व्यवहार सच्चाई से जीना इन सब में सच्चाई से चलते हुए उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाएं जानते वास्तव में ये वचन क्या कहता है कि सच का सामना किए बिना आध्यात्मिक परिपक्वता नहीं मिल सकती अगर सच्चाई का सामना नहीं करेंगे तो आध्यात्मिक बढ़ोतरी नहीं पा सकेंगे क्योंकि हम अगले स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे जहां जाना चाहते थे अगर अभी हम जिस स्तर पर हैं और जिन समस्याओं से घिरे हैं उनके बारे में न जाने तो बाइबल इफिसियो 6 में कहती है यहां परमेश्वर के हथियार के बारे में कहा गया है और सत्य की कमरबंद उसमें से एक है जो हमें प्रभु ने दी है ताकि हम दुश्मन को हरा सके या अपने आप को दुश्मन से बचा सकें एम्प्लीफाइड बाइबल कहती है बुरे दिनों में सामना करने के लिए सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको कहा गया है कि सत्य से अपनी कमर कसकर ये नहीं कहा गया कि सत्य की कमर बंद बांधो वरन कहा गया है सत्य से अपनी कमर कसकर मेरे विचार से इस बात पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी है आज मैं सोच रही थी और मैंने सोचा मैं इसे कैसे प्रस्तुत करूं ताकि ये लोगों के लिए मददगार हो सके मुझे ये महसूस हुआ कि प्रभु ने मुझे दर्शाया कि जब हमें व्यक्तिगत समस्या होती है तो हमें सत्य की कस कसकर बांध लेनी चाहिए और उस समय में कहना चाहिए ठीक है प्रभु मैं क्यों समस्या में हूं इस सत्य को बता <laughs> क्योंकि अक्सर हम शैतान को धिककारते हैं और यह पता लगाने की कोशिश नहीं करते कि समस्या क्या है मैं आज किसी को अपने बारे में बुरा सोचने को नहीं कह रही हूं मैं आपको कुछ चीजों पर जय पाने के लिए कह रही हूं ताकि आपका जीवन बेहतर हो सके लेकिन कभी कभी हम दीवार के सामने अड़ जाते हैं और अपना सर उससे टकराते रहते हैं हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं और कारण जाने की कोशिश भी नहीं करते और जिम्मेदारी भी नहीं लेना चाहते इसीलिए हम कभी मुक्त नहीं होते मैं नहीं चाहती कि में से कोई वो करे जो इसराइलियों ने किया वे ग्यारह दिन की यात्रा के लिए चालीस साल जंगल में भटकते रहे <laughs> व्यवस्था विवरण एक दो कहता है ग्यारह दिन के मार के लिए वे जंगल में चालीस साल भटकते रहे पच्छे कहता है तुम इस पर्वत का चक्कर बार बार काट रहे हो मेरे ख्याल से आप में से एक कि पहाड़ का चक्कर काट रहे हैं बहुत लंबे समय से आप प्रभु के साथ अपनी चाल में ही की जगह पर बहुत दिनों से हैं आप अग्रसर हो रहे थे अचानक आप पहाड़ से टकराए और आपको लगा कि आप उससे निपट नहीं पा रहे हैं देखिए अगर प्रभु आपको आपके बारे में कुछ प्रकाशन देना चाहता है तो ये कहने से क्या लाभ कि प्रभु मैं अभी तैयार नहीं हूं क्योंकि अगर वो आपको ले जाना चाहता है तो इसका अर्थ है कि आप तैयार आज हम बातें कर रहे थे विजय की कुंजी के बारे में एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं कि ऐसे ही विजय जैसी कोई चीज नहीं है आपकी समस्याओं आपकी परिस्थिति आपके दर्द और दुखों से दूर होने का एक ही रास्ता है उससे गुजरना मतलब जीवन में समस्याओं का सामना करना उनके बारे में प्रार्थना करें प्रभु जो कहता है उसे करने में उसकी आज्ञा माने और धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव आएगा शायद आपको ये बात अच्छी ना लगे धीरे धीरे लेकिन चीज़ें धीरे ही बदलती हैं प्रभु हमें हमारी विजय एक ही बार में नहीं देता है वरन धीरे धीरे वो हमें चीज़ें सिखाता है हम उनमें कार्यरत होते हैं और फिर अचानक हम कह सकते हैं कि मुझे विजय प्राप्त हो चुकी है